लंबे विवादों के बाद ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 रिलीज को तैयार है। सुपर 30 मैथमेटिशियन आनंद कुमार पर बनी एक बायोपिक फिल्म है। इस फिल्म का ट्रेलर कैसा है और फिल्म की कहानी क्या है, इन सबको बताने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि फिल्म का नाम सुपर 30 क्यों है। जी हाँ, तो हम आपको बता दें कि आनंद कुमार उन होनहार बच्चों को लेते हैं जो इंजीनियर तो बनना चाहते हैं लेकिन पैसों की वजह से उनका टैलेंट कहीं ना कहीं खो जाता है। इसलिए हर साल उन टैलेंटेड 30 बच्चों को लिया जाता है जिन्हें मुफ्त शिक्षा दी जा सके और IIT का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर सके। अब आपको बता चल ही गया होगा कि फिल्म का नाम सुपर 30 क्यों है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं फिल्म का ट्रेलर कैसा है। 2 मिनट और 37 सेकंड के ट्रेलर की शुरुआत होती है एक सवाल के साथ। जी हाँ, इंडिया से, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, चीप लेबर का देश। फिर हम सोचते हैं पेप्सिको हेड कौन है, यूनिलीवर कौन चला रहा है। अगर नहीं पता तो गूगल कर लीजिए, वैसे गूगल का हेड भी एक इंडियन है। बस यहीं से होती है आनंद कुमार बने ऋतिक रोशन की एंट्री। फिल्म में ऋतिक रोशन को बिहार के आनंद कुमार के किरदार में देखना सरप्राइज से कम नहीं है और ट्रेलर में लुक और बिहारी लहजे के आधार पर वो प्रभावित भी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं बोलने का बिहारी अंदाज मिस होता भी दिख रहा है। हालांकि महज ट्रेलर है, ऋतिक ने अपने किरदार को कितने असरदार तरीके से पकड़ा है इसे समझने के लिए फिल्म का इंतजार तो करना पड़ेगा। क्या है फिल्म की कहानी? ये फिल्म पटना के मैथमेटिशियन आनंद कुमार की है और उनके स्टूडेंट्स की जर्नी पर बनी है, जिनके बाल बिखरे हुए, गंदी सी दाढ़ी, धूप में तपा हुआ शरीर और जुनून हर गरीब बच्चे को इंजीनियर बना देने का। अब आपको बताते हैं कि फिल्म को रिलीज से पहले विवादों में क्यों रही। इस फिल्म के डायरेक्टर विकास बहल पर मी टू कैंपेन के दौरान लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों की वजह से फिल्म रुक गई थी। अब विकास बहल को क्लीन चिट मिल गई है। अब देखना ये होगा कि ढीली पैंट को खिसकाते और ठेठ बिहारी की भोजपुरी बोलते 12 जुलाई को एक और बायोपिक फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर इम्तिहान की। बाकी आपको कैसा लगा सुपर 30 का ट्रेलर हमें जरूर बताएं और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।